रिंकी के खून ने भल्ला परिवार की खुशियां ही छीन ली। इशिता के मिसकैरेज के बाद रिंकी का खून सहन नहीं हुआ रमन और इशिता से। मिस्टर और मिसेस भल्ला भी छाती पीट कर रोने लगे और मिहिर भी तन्हाई में तड़पने लगे। अब पूरा परिवार जुट गया है रिंकी के कातिल को बुरी से बुरी सजा देने के लक्ष्य में। लेकिन शायद भल्ला परिवार ये नहीं जानते कि रिंकी का खूनी उनके ही परिवार में उनके साथ मौजूद है, और ये खूनी मिहिर या मिहिका नहीं बल्कि सारिका है। जी हाँ, रोमी की पत्नी सारिका ने ही किया रिंकी का मर्डर, और वो इसलिए क्योंकि सारिका की सच्चाई जान गई थी रिंकी। रिंकी ये जान गई थी कि सारिका के बच्चे राहुल के पिता रोमी नहीं है, और पूरे परिवार से झूठ कहा था सारिका ने ताकि रोमी उसे अपना ले। ये खुलासा सीरियल में बहुत ही जल्द होगा, जहां अभिषेक अपनी बहन की सच्चाई जान लेंगे। अब ऐसे में पुलिस होने के नाते वो अपना फर्ज निभाएंगे या फिर भाई होने के नाते अपने बहन को बचाने का कर्तव्य, ये तो हमें आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। खैर, सीरियल के यूं ही अपकमिंग अपडेट्स पाने के लिए आप देखते रहिए टेली मसाला।